Hey guys, welcome back to my another video. Myself Rupesh and behind the camera is Aishu and Man. And you watching my foodie channel, Foodie Rupesh. So guys, मैं आज आपको लेकर आया हूँ एक विलेज में. यहाँ पे अंडे की बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी मिलती है आपको. यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप की वैरायटी भी खाने को मिल जाएगी. सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. सो गाइस, आर यू रेडी वॉचिंग दिस माई ऑसम वीडियो? लेट्स प्ले. तो गाइस, मेरे साथ है एक विलेज के ऑनर, इनसे मिलते हैं. इनका नाम जानते हैं सर? आपका नाम बताइए. नील वसी. अच्छा, और सर बताइए, ये एक शॉप आपको चालू की हुई कितना समय हो गया? करीबन 1.5 साल हो गया है. अच्छा, और हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आपके यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी मिलती है? हमारे यहाँ स्पेशल अफगानी जो बेस्ट है एकदम. हाँ? और लाहौरी. अच्छा, और स्टार्टर में आप लेंगे तो एक ड्राई चीज़ कबाब है. अच्छा अच्छा, और इसके अलावा कितने टाइप की वैरायटीज मिलती है आपके पास? 200 टाइप है. अच्छा, तो सर जल्दी से हमारे दर्शकों को यहाँ का टाइमिंग बता दीजिए. 11:30 to 10:30. और सर यहाँ का थोड़ा सा लोकेशन भी समझा दीजिए. ये है गणदेवी अमलसर रोड के बीच में, जमड़ाचा गाँव है. अच्छा, बियंड हाई स्कूल. अच्छा, और ये सी के पार्टी प्लॉट के एग्जैक्ट बगल में सी के कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर एक विलेज है. सो गाइस, मेरे सामने कुछ कस्टमर खा रहे हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं. मैडम, आपका नाम बताइए. माई सेल्फ यशविनायक. अच्छा, हमने ये टोमेटो हफरे मंगवाए थी. अच्छा, उन्होंने खुद ही हमें सर्व की, और ये आप देख सकते हैं कि बहुत दिखी बहुत डिलीशियस लग रही है, तो टेस्ट में तो कैसी डिलीशियस होगी. अच्छा अच्छा, मैडम आपको जो बताइए, ये डिश बहुत डिलीशियस थी. अच्छा, तो ठीक है गाइस, चलो हम लोग भी अपना ऑर्डर करते हैं. ठीक है, तो गाइस मेरे साथ है यहाँ के चीफ, इनसे मिलते हैं. सर आपका नाम बताइए. मेरा नाम राहुल है. अच्छा, तो राहुल भाई क्या बना रहे हैं आज? एग अफगानी. अच्छा, तो गाइस यहाँ पे एग अफगानी का बनने जा रहा है. और सर ये कितने अंडे का होता है? ये 7 अंडे का होता है. अच्छा, तो अभी आप कितना अंडा ले रहे हैं इसमें बनाने के लिए? अभी तो ऑमलेट बनाने के लिए 2. अच्छा, अंडे लिए हैं कच्चे. तो गाइस इसमें फिलहाल अभी 2 अंडे का ऑमलेट बनने जा रहा है. तो देखिए ये क्या चीज़ है सर? चटनी. ये आ गया धनिया. धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्ची, हल्दी. अच्छा, ये धनिया. अच्छा, पाउडर और नमक. अच्छा, तो गाइस देख लो, काफ़ी स्पाइसी बनने वाला है. इसमें इन्होंने सबसे पहले इन्होंने इसको टमाटर को इसमें मैश कर दिया. चटनी. अच्छा, इसमें इनका मसाला आ गया. वापिस इंग्रेडिएंट मसाला जा रहा है अंदर, हल्दी मिर्ची नमक और ये धनिया आ गया. ये इसमें ऑयल भी आ गया. तो गाइस देख लो, यहाँ पे 2 अंडे का आमलेट रेडी होने जा रहा है. तो राहुल भाई ये क्या प्राइस पड़ता है? 270. तो गाइस ये 270 रुपये प्लेट आता है. राहुल भाई इसके साथ पाव कितना आता है? उसके साथ 3 पाव आता है. 3 पाव आता है. और कोई एक्स्ट्रा पाव अगर लेना चाहता है क्या प्राइस में पड़ता है? एक पाव का 5 रुपये है. 2, 10. तो गाइस यहाँ पे एक पाव 5 रुपये का पड़ेगा अगर आप एक्स्ट्रा और खाना चाहते हो तो. ये क्या डाला सर आपने? बॉयल. अच्छा, ये इन्होंने बॉयल वाला एग डाल दिया है और थोड़ा चीज़ इसमें चीज़ डाल दिया है. तो गाइस देखो, इन्होंने अंडे का जो ऑमलेट बनाया था उसके ऊपर ये मसाला इसके ऊपर ऐड कर दिया है. इसके अंदर वापस मसाला जा रहा है, ये हरी चटनी आ गई. ये किस चीज़ का? ये मेरे ख्याल से प्याज का पेस्ट लग रहा मुझे. हाँ. अच्छा, इसमें प्याज का पेस्ट आ गया, ये हरी चटनी आ गई, ये धनिया आ गया और ये इंग्रेडिएंट मसाला जा रहा है, हल्दी मिर्ची नमक गरम मसाला. वापस तो गाइस इसमें लीला लहसुन आ गया.
तेल आ गया। तो गाइस स्मेल तो काफ़ी इसकी अच्छी आ रही है, तो बहुत टेस्टी बनने वाला है ये। इसमें इन्होंने अंडे का पीला वाला भाग लिया है, बॉयल वाले अंडे का, और इसमें वापस चीज़ आ रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत हाइजेनिक तरीके से आपको फूड मिलने वाला है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज कर दिया। इसमें तो थाली में, तो गाइस देख लो, एक इस पर एक साइड पर इन्होंने ये ग्रेवी डाल दिया है, फिर से इंग्रेडिएंट मसाला जा रहा है अंदर। आइए थोड़ा सा पानी आ गया, हल्दी, मिर्च, लाल मिर्च आ गई, हल्दी आ गई, गरम मसाला आ गया, वापस धनिया आ गया और वापस चीज़ आ रहा है। तो गाइस चीज़ तो इसमें काफ़ी मात्रा में जा रहा है, तो काफ़ी यमी बनने वाला है। गाइस देख लो हमारा ऑर्डर आ गया, हमने मंगाया था स्पेशल एग अफगानी, इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑयल वाला है, इसका प्राइस है 260 रुपीज़, और अगर आप बटर वाला लेना चाहोगे तो उसका प्राइस आता है 300 रुपया, ठीक है। दोनों के साथ तीन पाव आता है और साथ में ये ऑनियन भी आता है। तो गाइस देख लो फर्स्ट इंप्रेशन में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसके अंदर तो बहुत सारा इंग्रेडिएंट मसाला डाला था। सबसे पहले इसको बनाने के लिए इन्होंने एक अंडे का आमलेट बनाया था, उसके ऊपर मसाला डाला था, फिर दो टाइप का ग्रेवी बनाया है, एक ग्रीन वाला और दूसरा बनाया था ये रेड वाला। रेड वाले में इन्होंने चीज़ भी डाला था, चीज़ तो लगभग तीनों में आया था। तो शुरू करते हैं, सबसे पहला बाइट लेते हैं। तो गाइस ये रहा सबसे पहला बाइट, चीज़ वाले से ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ के ओनर ने कहा था कि यहाँ पे अगर आए हो तो स्पेशल एग अफगानी ट्राई करो, काफ़ी अच्छा स्वाद है। उनका बात एकदम सही निकला, काफ़ी बढ़िया स्वाद था। यहाँ पे ये नींबू है, इसको भी थोड़ा डाल देते हैं अंदर। एक बाइट मैं ऐसे ही लेता हूँ, ये मैं लेता एक काम करता हूँ, अंडे का जो इन्होंने आमलेट बनाया था ना उसके साथ ट्राई करते हैं। तो देखिए पास से इसके ऊपर है ना, मैं थोड़ा सा प्याज रख देता हूँ, एक बाइट ऐसे। चीज़ बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और जिस टेम्परेचर में इसको पकाया ना वो बहुत ही बढ़िया पकाया इन्होंने। सारा इंग्रेडिएंट मसाला बहुत बढ़िया है, एकदम स्पाइसी भी नहीं है, जो बच्चे लोग को काफ़ी यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो गाइस यहाँ पे आकर आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो, और यहाँ पे के ऑनर काफ़ी अच्छे हैं, इन्होंने हमको एक मसाला वाला रोटी दिया था, ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो गाइस ये एक इसका प्राइस बता देता हूँ, इसका प्राइस है 15 रुपया। आप ये भी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी लोग आते हैं ये पाव, जिसको पाव पसंद आता है वो पाव को ट्राई करते हैं, जिसको ये मसाला रोटी आती पसंद आती वो लेते हैं। ओवरऑल बहुत बढ़िया है, मुझे काफ़ी पसंद आया। तो आप लोग एक बार यहाँ पे आइए, ट्राई करिए, लोकेशन काफ़ी इजी है। एक काम करते हैं आईसी मन का भी रिएक्शन देख लेते हैं वो कैसा है, ठीक है। गाइस हमने जितना भी ऑर्डर मंगाया था सब कुछ ख़त्म हो गया, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी यमी था, और इसमें जो दो टाइप की ग्रेवी थी ना वो दोनों ही कमाल की थी, दोनों डिफरेंट टाइप की थी, दोनों में चीज़ था, एक ज़रा थोड़ा मसाला वाला था इसलिए काफ़ी स्वाद में मज़ा आ रहा था, ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, इंग्रेडिएंट मसाला भी काफ़ी नाप से डाला था इसलिए बच्चे लोग को भी काफ़ी पसंद आया।
बहुत बढ़िया था। तो आप लोग इधर पे आइए, विज़िट करिए, बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ पे सीटिंग की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है और बहुत ही हाइजेनिक तरीके का यहाँ फूड मिलता है और यहाँ पे साफ़ सफाई का भी काफ़ी मेंटेन किया गया है। तो ठीक है गाइस, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। आयशी को पूछते हैं, आयशी बताओ। मुझे तो ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी, अभी यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छी जगह, काफ़ी अच्छी रेसिपी है। और मन बता, दोनों ग्रेवी ही बहुत ही बढ़िया थी, आप भी इधर आके ट्राई करना। तो ठीक है गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तो जाने से पहले अपने दोस्त को चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।